फाइनली अभी अभी भाई विक्रांत रोना फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, और ट्रेलर को अगर मैं एक ही लाइन में डिफाइन करूँ ना यार, तो मजा नहीं आया। मुझे बहुत उम्मीदें था इस फिल्म के ट्रेलर, बट मेरी उम्मीद पे ना भाई ये फिल्म का ट्रेलर खरा नहीं उतरा। तो अभी तुम लोग लग रहा हो कि संजू ये तुम क्या बोल रहा है यार, ट्रेलर देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। तो भाई ये चीज है भाई, हेटर्स लोग हो ना, थोड़ा देर के लिए ना खुश करने के लिए भाई लोग ये फिल्म का ट्रेलर A1 है, मींस बवाल ट्रेलर है। साथ साथ ट्रेलर देख के लग रहा है भाई ये फिल्म में पोटेंशियल है धमाका करने का बॉक्स ऑफिस पे। आगे और भी थोड़ा गहराई से नजर डालेंगे फिल्म के ट्रेलर, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक जो भी वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। सो बैक टू पॉइंट, आते अपने विक्रांत रोना फिल्म के ट्रेलर पे। इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ इस फिल्म को लेकर अभी ना लोग काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं यार। सबसे पहला रीजन है भाई इस फिल्म के स्टार कास्ट, किच्चा सुदीप है अपने जैकलिन फर्नांडिस है, दोनों के पेयरिंग काफी ज्यादा सही भी लग रही है यार। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है भाई इस फिल्म का जो डायरेक्टर है अनूप भंडारी का जहां भी नाम आता है ना भाई, उनके साथ साथ वो कंटेंट का भी नाम आता है। मीन्स अगर अनूप भंडारी का नाम किसी फिल्म से अगर जुड़ जाता है एज ए डायरेक्टर, तो तुम लोग वहां आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो कि ये डायरेक्टर जहां भी आएगा वहां कंटेंट लेके आएगा। अगला जो पॉइंट मैं तुम लोग को बताऊंगा, जो पॉइंट भाई और ज्यादा इस फिल्म को लेके एक्साइटमेंट बढ़ा देता है, वो पॉइंट है भाई ये फिल्म पैन इंडिया लेवल की फिल्म नहीं है, ये फिल्म पैन वर्ल्ड लेवल की फिल्म है। ये फिल्म इंडिया का पहला ऐसा फिल्म बनने जा रहा है जिसे भाई प्रॉपर पैन वर्ल्ड लेवल पर भाई रिलीज करने की मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में भी आ रहा है ये फिल्म, और ये हम सब इंडियन लोग के लिए काफी प्राउड वाला मोमेंट है। सो अब नजर डालते हैं भाई इस फिल्म के ट्रेलर पे। सच कहूं तो भाई ट्रेलर ने भाई बहुत इंप्रेस कर दिया है मुझे। मुझे लग रहा था ट्रेलर अच्छा होने वाला है, बट ये ट्रेलर सच में काफी ज्यादा अच्छा निकला है यार। सबसे अच्छा लगा है भाई इसके सिनेमेटोग्राफी, ओह कमाल की सिनेमेटोग्राफी है मैन। और दूसरा है भाई अपने किच्चा सुदीप को जिस तरीके से एंट्री होता है, एकदम धुआं धुआं निकालते हुए एंट्री कर रहा है, वो भी सीन काफी ज्यादा सही लगा है। और एक और चीज भाई इस फिल्म के ट्रेलर का मुझे काफी ज्यादा सही लगा, ट्रेलर में जो कलर टोन रखा गया है डार्क भाई काफी सही लगा है। साथ साथ मेकर्स ने भाई ये रिवील कर दिया है डेविल वर्सेस विक्रांत रोना होने वाला है। और एक और चीज इस फिल्म का ट्रेलर का सबसे बेहतर है वो है भाई इसके पीछे की बीजीएम, बस साथ साथ भाई ट्रेलर की जिस तरीके से कटिंग किया गया है, ये चीजें तो सबसे बेस्ट चीजें हैं। क्योंकि भाई अभी मैंने बहुत सारे फिल्मों को ट्रेलर को देखा हूं यार, जो भी मैंने ट्रेलर को देखा हूं यार, उन सब ट्रेलर में ना भाई मेकर्स प्रॉपर अपने फिल्म के स्टोरी को ही रिवील कर देते हैं, बट ये विक्रांत रोना का ट्रेलर को जिस तरीके से कटिंग किया गया है, ट्रेलर देखकर तो इतना पता चल रहा है मेकर्स अपने स्टोरी को ना भाई एक्सपोज नहीं करना चाहते, उन लोगों से जितना हो सका है उन लोगों ने भाई स्टोरी को बचाने की कोशिश किया है यार। सो ये अपने में काफी अच्छा लगा। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ ट्रेलर जिस तरीके से अच्छा लगा वैसे ही भाई ये फिल्म भी अच्छे लगे। अभी के लिए तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम लोग के फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।